मैं सुनील सुमीर आप सभी का चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। सुजीत कुमार आपका चौपाल संवाद में आपका स्वागत करता है। सर अपना बारे में थोड़ा। मैं डॉक्टर अंबिका कुमार हूं, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, न्यूली ज्वाइंट, जो अभी बीपीएससी के द्वारा जो सिलेक्शन हुआ है उसी के द्वारा मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है बीएन कॉलेज भागलपुर में। और मेरा शोध एक्चुअली पर्यावरण से रिलेटेड ही रहा है शुरू से। मैं वाटर पोल्यूशन पर काम किया हूँ, जिसमें मैंने कई सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन किए हैं। और IIT रुड़की से मैंने PhD करी थी, तो उसी में मैंने वाटर पोल्यूशन से काम किया। मुझे मेरे मैं एक सोसाइटी से भी जुड़ा हूँ, जो द एलाइट सोसाइटी ताजपुर के नाम से है, जिसके अध्यक्ष हमारे जितेंद्र बाबू हैं। तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे एयर पोल्यूशन पे एपिक और अपने सीट के कोलैबोरेशन से कि यहाँ पर वर्कशॉप है जिसमें आप आएँ। तो मैं एक्चुअली इन्वायरमेंट से काफ़ी रिलेटेड हूँ, मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ। मैं अपने कॉलेज में NSS प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ, और जितने भी डिप्राइव्ड एरिया हैं जहाँ वंचित क्षेत्र है वहाँ पर जाके अपने NSS वॉलंटियर्स के द्वारा मैं काम करवाता हूँ पर्यावरण से रिलेटेड। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस जगह पर जाना चाहिए, मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सर, आज जो होटल मौर्या में आज का जो कार्यशाला का आयोजन किया गया था वायु प्रदूषण की जो थीम थी, तो उसको आपने यहाँ पर सुना और इसको किस प्रकार से अपने समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ताकि हम वायु प्रदूषण कम हो सके? ज़रूर, एक्चुअली ये दो पहलू में काम होता है। सबसे पहले एक रिसर्च का फील्ड है, दूसरा उस रिसर्च का हमारे जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये दो पार्ट को हमें मिलाना है, यानी हम एक रिसर्च करें कि एयर पोल्यूशन को या तो हम डिटेक्ट करें कि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर पोल्यूशन कम है। पहले तो डिटेक्ट करना हमारा काम है, उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद हमको उसको रिजॉल्व करना है काम है कि कैसे रिजॉल्व करें। जो हमारे हाथ में है सबसे पहला वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए हम लोगों को प्रमोट करें, जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगा हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जितने भी कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में आ रहा है वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस क्षेत्र में ही हम लोगों को प्रमोट करके आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से सर, अगर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधारोपण का अगर हम ज़्यादा संख्या में पौधारोपण करें तो वो कहाँ तक बेहतर कहा जाएगा और मील का पत्थर साबित होगा? बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का कहना है कि मानव सभ्यता के जैसे जैसे विकास होगा हम सड़क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्कूल भी बनाएँ, कॉलेज भी बनाएँ, हॉस्पिटल भी बनाएँ और ग्रीनरी स्कूल कॉलेजेस बनाएं, यानी हमारे पेड़ों का भरमार हो वहाँ पे, जितने भी रोड्स हैं रोड्स के दोनों साइड में पेड़ भरमार हो, तो हमारा दोनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा बैलेंस रहेगा, पर्यावरण भी बैलेंस रहेगा और हमारा जो डेवलपमेंट की बात है दोनों भी बैलेंस रहेगी। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि अगर हम रोड बनाएंगे तो पेड़ काट के ही रोड बनेगा। बिल्कुल, जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस का रूट है उसमें पेड़ कटेंगे, बट उसके रिस्पेक्ट में हम 10 गुना 20 गुना 100 गुना पौधे हम छायादार आराम से लगा सकते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट का जो इम्बैलेंस है वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। सर निश्चित रूप से सर, आप तो शिक्षक हैं और शिक्षक के नाते अपने युवा साथियों को, आने वाले भविष्य के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? हाँ डेफिनेटली, मैं सिर्फ युवाओं के नहीं यहाँ के एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी ट्रेडिशनल कोर्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंसेज और लिटरेचर का, इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयावह है। इस कंडीशन को देखते हुए अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करवाएँ और बच्चों को इसमें प्रमोट करें कि आप इसमें जरूर जुड़ें और एक मेन स्ट्रीम में इसके अकॉर्डिंगली हम वैकेंसीज निकालें, तो डेफिनेटली हमारा काम फ्रूटफुल होगा और युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने मुखारविंद से हमारे श्रोताओं को रूबरू कराया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।